देख रहे चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जिलाधिकारी ने खेलो इंडियन में शूटिंग रेंज का किया शुभारंभ। रमेंद्र शर्मा ने हाफर क्लब का इतिहास बताकर सभी का स्वागत किया। बांदा भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक खेल जो भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी उसका आज जिलाधिकारी बांदा द्वारा विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कई पूर्व खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है। शिव कुमार गुप्ता जी पूर्व वॉलीबॉल सादिक जामा जी सहित लगभग आधा दर्जन पूर्व विशिष्ट खिलाड़ियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बांदा विकास प्राधिकरण के आदिशासी अभियंता द्विवेदी जी के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट केशव नाथ गुप्ता भी उनके स्थानांतरण पर बधाई दी गई। संवाददाता पूरन राय बांदा की रिपोर्ट। कैसा प्रोग्राम था हार्पर क्लब में? हार्पर क्लब में आज जो है हमारे देश में जैसे प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसी तरह से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की स्कीम लॉन्च की है। उसी के तहत हमारा जनपद बांदा राइफल शूटिंग के लिए मेले में लॉन्च हुआ है। इसी का आज बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए राइफल के पदाधिकारियों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ राइफल शूटिंग के लिए सेलेक्ट हुए हैं जनपद से उनको हम लोगों ने माला पहना करके उनको प्रोत्साहित किया है और उनसे हम लोगों ने शूटिंग भी कराई है। तो बच्चों बच्चे प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम राइफल शूटिंग। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।